सुजानपुर टेहराम में एमपी मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत लाइसेंस बनाए गए और गाड़ियों की पासिंग की गई, जिसमें लगभग 30 गाड़ियों की पासिंग एमपीआई अभिषेक शर्मा द्वारा की गई, जिनके साथ उपमंडल अधिकारी रवि देव ठाकुर भी उपस्थित रहे। वहीं पासिंग के दौरान जिन गाड़ियों में खामियां पाई गई उनको सही करने के आदेश दिए गए, ताकि दुर्घटनाओं को होने से बचाया जा सके। उपमंडल अधिकारी शिवदेव ठाकुर ने कहा कि गाड़ियों की पासिंग सही तरीके से की गई है और जिन गाड़ियों में खामियां पाई गई हैं उनको अगली पासिंग के लिए बुलाया गया है। उन्होंने बताया कि सुजानपुर के अंतर्गत आने वाले लोगों को लाइसेंस बनाने के लिए गाड़ी की पूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है, ताकि लोग सही तरीके से गाड़ी चला सकें और दुर्घटनाओं को रोका जा सके। आज लगभग 20 के करीब गाड़ियां आई हैं, जिसमें से 4 HRTC की बसें थी और वो पास हो गई हैं, और बाकी कुछ टैक्सियां हैं और कुछ 4-5 ट्रैक्टर हैं। तो वो लगभग कुछ में जैसे रिफ्लेक्टिव टेप नहीं थी, जैसे जो एग्रीकल्चर के ग्रीन जो गवर्नमेंट ने बुलाया वो गए हैं लगवाने, बाकी ऑलमोस्ट बाकी गाड़ियों में तो हो ही गई हैं पास। सर तो लगवा के लाएंगे तब उनकी हो जाएगी। सर जो आज लाइसेंस गाड़ियों के चलाने के लिए थोड़ा लाइसेंस बनाए गए हैं, उसमें लगभग कितने लोगों को आपके माध्यम से लाइसेंस मुहैया करवाए गए हैं? क्या 2-व्हीलर में 30 के करीब लाइसेंस थे, 30-35 के करीब, उनमें से 20-25 पास हो गए हैं और 10 कर रह गए हैं, और कारों में भी 30-35 के पास थे जो 4-व्हीलर जिनके थे कार के, वो 4-व्हीलर में भी 35-40 में से 25 के आसपास पास हुए हैं। और सर 10-15 क्या खामियां आ रही हैं सर, जैसे लाइसेंस बनाने के लिए लोगों में क्या मतलब क्या खामियां जो नज़र आपको आ रही हैं, क्या सुधारने की ज़रूरत है उनको लाइसेंस बनाते बार? लोग मतलब जैसे गवर्नमेंट ने टाइम दिया होता है तो लोगों में पेशेंस नहीं है, 1 महीने का टाइम होता है लर्नर के बाद, तो उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती अच्छे से, फिर वो फेल होते हैं, और कई तो आते हैं वो तो फर्स्ट टाइम में पास हो जाते हैं, और जो सेकंड टाइम में तो मैक्सिमम 7 डेज के गैप के बाद दे सकते हैं। थैंक यू सर।